वहां से हमें रास्ता तो नहीं मिला, हम भटक गए हैं रास्ता। हॉरर मूवी वगैरह देखते होंगे तो कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि अभी हम अभी डाक बंगला चौराहे की तरफ जा रहे हैं, और डाक बंगले चौराहे से सीधा हम जाएंगे पटना जंक्शन की तरफ। यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और राइट टर्न लेके पटना जंक्शन की तरफ निकलेंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि वो जो आपने ब्लॉगिंग स्पॉट देखा होगा थंबनेल में, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो अभी वो शूट करने चलते हैं। ओ भाई ये देखिए विशाल, और अभी ये सामने बाटा का शोरूम है। एक्चुअली में मुझे बाटा के जो शूज़ होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, और ये फेमस पनीर एंड स्नैक्स कॉर्नर हमारे लेफ्ट साइड में। और एक्चुअली में बहुत ही मज़ा आता है जब ऐसे विंटेज बिल्डिंग्स की तरफ जाते हैं आप, और एक्चुअली में लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ अच्छी ब्लॉगिंग मिल सकती है, जो आप लोगों को एक्चुअली में पता नहीं होगी कि पटना में ऐसे भी स्पॉट्स हैं जो कि एक विंटेज बिल्डिंग्स हैं। और तो चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। ओ भाई ये पटना PSRTC बहुत परेशान करता है, कहीं भी ब्रेक मार देते हैं ये लोग। डाक बंगला चौराहे पर ये आपको ट्रैफिक सिग्नल जा रहे हैं। और एक्चुअली में जब आप यहाँ पर आए होंगे जब पटना रेलवे स्टेशन के पास, तो आपने ये सोचा नहीं होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और चल। ओ भाई दिख गया स्कॉटलैंड का महल। गाइज यही है वो स्कॉटलैंड का महल जिसके बारे में आपने थंबनेल में देखा होगा। यही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आपका दोस्त रियान एक बार फिर से आपके साथ है। आपको बता दें कि अभी आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम कहाँ आ रहे हैं, तो एक्चुअली में थंबनेल पे जो आपने देखा है ना वो बिल्कुल सही है। जैसे ही मैं कैमरे को मूव करूँगा ना, आप मेरे पीछे का लोकेशन देखेंगे तो अचंभा हो जाएंगे कि एक्चुअली में पटना में भी ये सब है क्या। तो ये है पीछे का लोकेशन हमारे, और इसको स्कॉटलैंड का महल भी कहा जाता है। सो एक्चुअली में अभी हम इस स्कॉटलैंड के महल में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है ये स्कॉटलैंड का महल। अभी हम ये स्कॉटलैंड के महल में अंदर आ चुके हैं, और एक्चुअली में ये पटना में है, यकीन नहीं होता हम लोगों को। और ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये स्टेयर्स ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर चलेंगे और आपको चीज़ें दिखाएंगे। पटना में भी ऐसी चीज़ें, एक्चुअली में हमें यकीन नहीं होता कि ऐसी चीज़ें पटना में भी हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
यहाँ पे के लोग, यहाँ पे जो रह रहे हैं, सभी लोग ने बताया है कि इसका जो एंट्रेंस है छत पे जाने का, वो कुछ इधर की तरफ से है। जो टावर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो यही सामने वाला जो आप देख सकते हैं कि ये टावर है, तो इससे जो है कि छत पे जाने का रास्ता है। ओ भाई, अभी ये जो है ना, यहाँ पे ऊपर जाने का ये रास्ता है, मैं आपको सीढ़ियां दिखा सकता हूँ कि यहाँ की जो सीढ़ियां हैं वो कैसे हैं। एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा विंटेज बिल्डिंग है, बट इस पे गवर्नमेंट की जो नजर है ना, सरकार की नजर नहीं है। तो हम चलते हैं ऊपर की तरफ और चल करके आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये बिल्डिंग। एक्चुअली में बहुत ही पुराना ये लुक है, आप देख सकते हो सीढ़ियों का जो बनाने का आकार है, ये सीढ़ियां जो है कितनी मतलब पतली पतली बनाई हुई हैं और पुराने जमाने की बनाई हुई हैं, तो गोल घूमी हुई है पूरी। ये टावर पे है, ये टावर पे हम चढ़ रहे हैं, उसके बाद ये ऊपर जाने का जो रास्ता है ये यहीं से है। वो सामने आप देख रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन सामने में ही है, पर यहाँ पे आप लोगों की नज़र नहीं पड़ी होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसा विंटेज बिल्डिंग्स भी है। तो देखिए कि आप ये किस तरह से यहाँ पे ये बनाया हुआ है, इसकी बहुत पुराना बनाया हुआ है। लोग आप डिज़ाइन देख करके खुद समझ जाएंगे कि बहुत पुराने ज़माने का बनाया हुआ है। जो मैं टावर की बात कर रहा था, वो टावर आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने यही वाला टावर है जिससे चढ़ करके ऊपर आते हैं। स्कॉटलैंड का जो महल है, ये स्कॉटलैंड का महल, ये पटना में ही है। एक्चुअली में ये बिलीव करने वाली बात नहीं है, बिलीव नहीं हो पाएगा, बट हाँ आप एक्चुअली में देख सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो बनाया हुआ है ना, ये एक्चुअली में टूट गया है, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये सब टूट फूट गया है। एक्चुअली में ये टूट गया और सरकार की नज़र इस पर है नहीं, तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जो भी विंटेज बिल्डिंग्स हैं उस पर सरकार की नज़र क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक्चुअली में ये सबको जो है ना बचा के रखना चाहिए ताकि आने वाला जनरेशन देख पाए, तो इसको रिपेयर वगैरह जो होता है वो करवाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है, रिपेयर वगैरह नहीं हो रहा है। सारी जो विंटेज बिल्डिंग्स है वो सब हमारे बीच से अब ख़त्म होती जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि इधर की तरफ भी ये वाला जो है कितना खूबसूरत लग रहा है, और पेड़ पौधे भी हो गए हैं यहाँ पे। ये पूरा जो है ना पूरा खराब हुआ पड़ा है, और पूरा मतलब एक तरह से बिल्डिंग जो है ना वो अब गिरने की कगार पे ऐसा है। बट ये पुराना बनाया हुआ है तो हम इस पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में आप दीवारें देख सकते हैं कितनी मोटी होती थी पहले के ज़माने में, और जो पिलर्स होते थे, पिलर्स का तो बात ही मत कीजिए। अभी का जो पिलर है ना वो इसका 1/3 भी नहीं है, पिलर्स की अगर बात करें तो। और देख सकते हैं कि ये यहाँ से रेलिंग है, आप यहाँ से बाहर भी देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा है कुछ इस तरह का। ओ भाई, हेलीकॉप्टर। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, एक चीज़ बहुत खूबसूरत चीज़ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, शीशे से बनाया हुआ था, बट अब कुछ शीशे जो हैं उसके टूट गए हैं। ये जो हमने आपको दिखाया ना, ये वाला हिस्सा, ये जो है एक्चुअली में बहुत मोटा शीशा है इसका, ये जो शीशा है ना बहुत मोटा शीशा है, और पहले के ज़माने में जो लोग होते थे वो इस सब चीज़ का ख्याल रखते थे, धूप वगैरह के लिए दिया हुआ है ताकि रोशनी जो है एक प्रॉपर जो रोशनी होती है वो घर तक जा सके, आंगन तक आपके जा सके। और एक्चुअली में आजकल जो घर बनाते हैं लोग उसमें इन सब चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं, कि जो लाइटनिंग का ज़्यादा लोग ख्याल नहीं करते हैं, और जो कि करना चाहिए हम लोगों को घर बनाने टाइम। आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त उस टाइम का जो आर्किटेक्चर्स होते थे, कितने ज़बरदस्त होते थे कि उन लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखा कि एक कहीं ना कहीं धूप जो होती है ना, रोशनी जो होती है ना, वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी छत पर है और ये कुछ इस तरह का है छत पे, चारों तरफ से
चारों तरफ से इसी तरह का रेलिंग, मतलब इसी तरह की दीवारें दी हुई हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं, और इसकी जो कलाकारी है वो आप खुद देख रहे हैं कि कितनी अच्छी कलाकारी। ये है यहाँ की सीढ़ियाँ, ओ भाई बहुत खतरनाक है। मैं चल रहा हूँ इस सीढ़ियों पे, एक्चुअली में बहुत गजब का नज़ारा है यहाँ पे। और ये जो बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत है, और ये गोल गोल है, ठीक है, ये पूरी सीढ़ी जो है ये गोल है, क्योंकि ये टावर के अंदर ये सीढ़ी बनी हुई है, इसीलिए ये सीढ़ी गोल है पूरा। इसमें गोल गोल आप घूम के जाइए, और यहाँ पे हो गई सीढ़ी खत्म। ये मैंने फ्लैश ऑन कर लिया। इसके नीचे जाने का जो रास्ता है ये यहाँ से है, और ये पूरा नीचे जाने का रास्ता है। एक्चुअली में आप देख सकते हैं कि ये सामने रोशनी भी इससे आ रही है थोड़ी थोड़ी, और ये सीढ़ी का है, इसी सीढ़ी से नीचे जाया जाता है, क्योंकि इस क्लॉक ये टावर पे ये सीढ़ी बनी हुई है, इसी वजह से इस तरह की गोल गोल है। तो यहाँ आ चुके हैं, और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, यहीं पर ये बना हुआ है। ये जो बनाया गया था ये सैयद इमाम के द्वारा बनवाया गया था, और स्कॉटलैंड में आप जिस तरह के घर देखते हैं ना, उसी तरह के नक्शे पर ये भी बनाया हुआ है। ये स्कॉटलैंड का महल कहा जाता है पटना में, और ये भी स्कॉटिश आर्किटेक्चर के द्वारा बनवाया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर पूरा। मेरे पीछे जो है ये पानी जमा हुआ है, ग्रीन ग्रीन हो गया पूरा पानी। तो विंटेज बिल्डिंग्स है तो गवर्नमेंट का इस पर ख्याल नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट इस पर नज़र नहीं डाल रही है। बट एक्चुअली में मैं बोलूँगा ये कि अगर गवर्नमेंट की नज़र इस पर पड़ती है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक निशानी भी है विंटेज बिल्डिंग्स की, जो पूर्वजों के द्वारा दी गई है। तो ये भी यहाँ से देखिए पानी गिर रहा है, इसमें यहाँ से पूरा पानी गिर रहा है, और ये जो पानी है ना इसको रोकने के लिए कोई भी पाइप वगैरह नहीं लगा हुआ है। तो ये देख लीजिए मेरे पीछे का है, और ये वही टावर है जिस पे हम अभी गए थे, ये वही टावर है। तो मैं तो भूल गया भाई आया किधर से था मैं, अब मेरे को यहाँ से जाने का रास्ता ढूंढना है। तो अभी देखते हैं कहीं से रास्ता ये वाला इधर से मिल जाए, तो यहाँ से जाएंगे। हॉरर मूवी वगैरह देखते होंगे तो ऐसे ही मतलब बिल्डिंग्स होते हैं जिसका शॉट लिया जाता है, ऐसे ही बिल्डिंग्स होते हैं जिसमें शूट होता है, क्योंकि ये बिल्डिंग हॉरर मूवी से कोई कम नहीं है। तो ऐसा है कि अभी यहाँ से हमें रास्ता तो नहीं मिला, हम भटक गए हैं रास्ता। और हाँ, ये वाला, ये दोनों तरफ से पानी लगा है यहाँ पे जो है ना, दोनों तरफ से ये पानी लगा हुआ है, इधर भी पानी है, राइट साइड में भी हमारे, और हमारे लेफ्ट साइड में भी दोनों तरफ पानी है। और बीच से यहाँ से आप पतला सा रास्ता दिया हुआ है, इस पतले से रास्ते से आप जा सकते हैं। ओ भाई डेंजर,
सो गाइस ऐसा है कि अब हमारी व्लॉगिंग जो हो चुकी है खत्म और हम चलते हैं अपने घर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और भाई को सपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। अगर इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया अपने भाई को तो फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।